जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के महीने में इबादात भी कसरत से की हैं, खुसूसन रोज़े जैसी अजीम इबादत। उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा जिस महीनों में रोज़ा रखना पसंद था, कान अहब्बु शुहूर इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमहु, सबसे ज्यादा महबूब महीना जिसमें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े रखना पसंद था, फरमाया शाबान वो महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का है, सुम्मा यसिलहु बिरमज़ान, और फिर आप रोज़े रखते रखते इसे रमज़ान से मिला दिया करते थे। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी दो महीने मुतवातिर रोज़े नहीं रखे इलावा शाबान और रमज़ान के। लेकिन उलमा यह फरमाते हैं मुतवातिर का मतलब कसरत है कि रमज़ान तो मुकम्मल रोज़ा फ़र्ज है, उसके अलावा सबसे ज़्यादा रोज़े जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबानुल मुअज़्ज़म में रखे हैं। और क्यों रखे हैं, उसकी वजह भी इन रोज़ों की अहमियत भी बयान फरमाई। एक रिवायत में है सैयदना अनस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौन से महीने में रोज़ा रखना अफजल है, तो फरमाया शाबान, शाबान के महीने में रोज़ा रखना अफजल है, तआज़ीम रमज़ान, रमज़ान की तआज़ीम और रमज़ान की अहमियत और रमज़ान की तैयारी के लिए।